हाय दिस इज दिल लगी महादेव। सो मैं अपसेंट था कल, मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं अभी जहाँ हूँ ये राजस्थान है और राजस्थान में उदयपुर का बेटर हुआ सर, दैट्स वाई राजस्थान गवर्नमेंट ने 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था। और मैं जैसे ही बता दूँ, देखो बारिश हो रहा है और आपको वो दिख रहा है वहाँ पे एक हाईवे, यहाँ से 100 मीटर के बस डिस्टेंस है वो अपना हरियाणा है, लेकिन मैं हूँ राजस्थान में। हरियाणा राजस्थान में सिर्फ 10 कदम का डिस्टेंस है, लेकिन इधर पे जो नेटवर्क आता है वो राजस्थान का रहता है। सो दैट्स वाई मेरा नेट 2 दिन के लिए बंद था और मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। सो दिस इज़ न्यू डे, इंटरेस्टिंग डे, देखते इसका अपन इस दिन को भी इंटरेस्टिंग दिन बनाएंगे, नया मोटिवेशनल वीडियो और नया टारगेट रहेगा। इंतजार करते 9:15 का मार्केट खुले, तब तक मैं फ्रेश हो जाऊँ। थैंक यू सो मच और ब्लॉग पूरा देखना। सो हाय, हम लोग फिर से निकल चुके, कहाँ जाना है पता नहीं है, बस गाड़ी चालू कर लिए, पेट्रोल की तो कमी है नहीं, बस चलते रहना है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, जाना कहाँ है अपने को पता नहीं, अभी तो कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है, पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। देखो भाई, प्लान तो केदारनाथ का है और हो सकता है उससे आगे भी चले जाए। क्या बात है, बाबा ने बुलाया है केदारनाथ जाना है। वो कहते ना महादेव, अचानक से जिसे भी बुलाते है वही जाता है। तो मैं सोया था, उठा मेरे काम के लिए, मैं काम करने के लिए फ्रेश होने लगा तो भाई का कॉल आया, भाई बोलते रेडी हो जा चलना है केदारनाथ। बस ऐसा कुछ था जो कि मैं अचानक से रेडी हुआ और हम लोग तो अभी फिलहाल हम लोग इधर भाई के घर पे आए कपड़ा लेने के लिए, ये भाई का घर है। सो अब इधर से निकलना है केदारनाथ के लिए। देख सकते हो यहाँ पे अभी जितने लोग थे सब घर में गए चाय पीने के लिए, चाय वो पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकले गए और यही रास्ता से हमको केदारनाथ लेके जाएगा। हर हर महादेव। गाड़ी रेडी, ऑल सेट, ऑल सेट, या तेल पानी चेक कर लिया, तेल पानी चेक कर लिए, अब हम लोग यहाँ से भी, यहाँ से भी निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये देखो हीरो साहब के हीरो। चले अंकल जी, चलते हैं। अच्छा, चलो। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट है 4-5 टूर है, देखा जाए तो अभी केदारनाथ पहला टूर है, उसके बाद है बहुत जगह जाना है, सब जगह ब्लॉग पूरा देखना। महादेव कहाँ जा रहे हो भाई? टंकी खाली करने जा रही। भाई कहाँ जा रहे हो? टंकी खाली कर, टंकी खाली कर रही। हमारा भी स्टॉप हुआ है, फिर से टंकी खाली की है, फिर से टंकी खाली की है। मैं वहाँ पे कैमरा नहीं दिखा सकता मैं। सो ये टंकी खाली करने का टाइम है यहाँ पे। ये अभी हम पहुँच गए हिसार, ये हिसार एक, ये हरियाणा का एक जिला है हिसार, देख सकते हो आप। यहाँ से अभी हमको जाने में लगभग 700 से 800 किलोमीटर पड़ेगा। सो टूर बहुत बड़ा है, ब्लॉग पूरा देखना। कुछ मिला है क्या ऐसा, इसको क्या बोलते इसको? पेठा। पेठा बोलते हो? और आप कहाँ से हो? आगरा से। आगरा से, अरे हमारे यूपी वाले। अरे यूपी वाले मिल गए भाई। सो हम लोग अभी 200 किलोमीटर का, 200 से 250 किलोमीटर का टूर कंप्लीट कर चुके हैं। देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है और ये चाय पीने का टाइम है। इधर ढाबा है, कैंटीन का नाम क्या है, सच कैंटीन, वाह व्हाट द नेम। तो यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद चाय ऑर्डर हो चुका है, फिर यहाँ से निकलेंगे बाबा के दर्शन के लिए। अभी लगभग 6 से 7-8 किलोमीटर, 700 किलोमीटर और है, अभी सिर्फ 200 किलोमीटर हमारा कवर हुआ है। सो अलग ही मज़ा आ रहा है यार, बिकॉज बाबा से मिलना मतलब केदारनाथ बहुत बड़ी बात है। पहली बार मैंने सोचा था ज़िंदगी में कि कब मौका मिलेगा देखता है, लेकिन आज सडनली मेरे को ये टाइम मिल गया अचानक से कि आज जाने का। पता मैं आपको पता है, मैं सुबह उठा फ्रेश हुआ, चाय नाश्ता करने ही जा रहा था, तब से भाई आ गया, भाई का कॉल आया, भाई बोलते हैं रेडी हो जाओ केदारनाथ चलना है। सो इतना सरप्राइज बना मैं कि पूछो मत, और तुरंत हम लोग का प्लान बना और हम लोग निकल लिए। तो हम लोग का नाश्ता वास्ता हो गया, चाय भी पी लिए, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से हमारे आगे के टूर पे, देख सकते।
सो मजा ना सकर के अब निकलना है आगे, तो अब देखते हैं हर महादेव। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए भाई? कुरुक्षेत्र पहुँच गए। ये कुरुक्षेत्र तो हम लोग जा रहे पूछने कि ये कुरुक्षेत्र एरिया है तो यहाँ पे हम लोग और कहाँ घूम सकते, तो अभी यहाँ पे ऑटो वाले उनसे जा रहे पूछने। हाँ, ओके जाओ। तो अब हम लोग पूछेंगे रिक्शे वाले से कि कुरुक्षेत्र में और कहाँ घूमने का जगह है। अच्छा, यहाँ पे और कोई अच्छा लोकेशन है घूमने के लिए? कहाँ पे गए थे आप? अभी ये कुरुक्षेत्र में आए हम लोग, कोई स्थिति। हाँ, सरोवर चले जाओ। अभी हम लोग हरिद्वार जाएंगे दर्शन लिए। कहाँ पहुंचे सर हम लोग? द्वार पहुंच चुके हैं भैया, अभी गंगा जी घाट के पास जाने वाले हैं। 200 किलोमीटर अभी बाकी है। सो ओके, सो अभी हरिद्वार जाके गंगा में नहाएंगे, उसके बाद कल केदारनाथ के लिए निकलेंगे। हाँ, रात नहीं तो कल सुबह केदारनाथ के लिए निकलेंगे। ठीक है, हर हर महादेव। फाइनली हरिद्वार पहुँच चुके हैं हम। अभी गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, गाड़ी पार्किंग करने के बाद जाएंगे हम लोग गंगा नहाने। नसीब वाले आते हैं यहाँ पे, ये एक स्वर्ग है। अगर कोई इस दुनिया में स्वर्ग देखना चाहता है तो आ जाओ यहाँ पे, देख सकते हो आप। ये हरिद्वार किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ, सही। अभी हम लोग इसमें नहाएंगे, गंगा माँ में जाके नहा के पवित्र होंगे। तो नहा के हो गया है हर महादेव, नहा के हो गया हमारा। अभी आप देख सकते हो महादेव। तो नहा के हो गया, अब हम लोग निकल रहे केदारनाथ के लिए। पर हमारा टूर रहेगा केदारनाथ का, कल सुबह केदारनाथ भोले बाबा का दर्शन करेंगे। हाँ भाई, कल सुबह कहाँ चलना है? केदारनाथ। Okay. रात को ही चलेंगे। आज रात को ही केदारनाथ का दर्शन करने के लिए निकलेंगे हम लोग भोले बाबा का। सो अभी देख सकते हो। हरि
हरिद्वार का हमारा दर्शन हो गया ना अभी ये अब हम निकल रहे केदारनाथ की हर हमारे रात भर अब केदारनाथ जी का यात्रा होगा कल सुबह। ये पूरे होटल है और यही रास्ता केदारनाथ के लिए भी जाता है और यही रास्ता हुआ बद्रीनाथ जी के लिए भी जाता है। नीचे हमारी कार खड़ी है और ये हमने होटल ले चुका है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट वाले रात के टाइम नाकाबंदी ला के रखे, ऊपर जाने नहीं दे रहे बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बारिश हो रही है। सो दैट्स वाई हम लोग को यहाँ पे होटल लेके रुकना पड़ा। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे बंद कर रहा हूँ। बाकी ये हरिद्वार का ब्लॉग था। अब हम लोग आधा केदारनाथ रास्ता आ चुके हैं, आधा जो ब्लॉग रहेगा वो कल का रहेगा। सो ये ब्लॉग पूरा देखने के बाद सेकंड ब्लॉग का भी वेट करना जो पूरा टूर रहेगा वो केदारनाथ जी का। सो थैंक यू सो मच आपने इस ब्लॉग को देखा एंड प्लीज़ लाइक। सो अब मिलते कल के ब्लॉग में जो पूरा केदारनाथ का दर्शन होगा उस पर। बाय बाय, टेक केयर, महादेव।